हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर्स इन इंडिया फॉर दिस समर ऑफ 2022। तो एज यूजुअल मैंने शॉप्स विजिट किए, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड डेजर्ट कूलर्स देखे, प्रॉज एंड कॉन्स, उसके प्राइजेस क्या है, अगर लोकल में लूंगा तो डिलीवरी चार्जेस कितने आते हैं, अगर मैं ऑनलाइन बाय करूंगा तो मुझे क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं, काफ़ी टाइम क्रेडिट कार्ड के स्कीम्स मिल जाते हैं, ये सब मैंने देखा। और उसके बाद में सिंपल मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है जो आपको मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, प्लस कुछ बेसिक्स ऑफ एयर कूलर हो जाए सो दैट आपका जब डेजर्ट कूलर आप लेंगे तो आपको उसका अच्छा उपयोग होगा। तो मैं हूँ महेश ट्रेकबुक इंडिया से, और 30 साल इंडिया के लार्जेस्ट ऑटोमोटिव सेक्टर के R&D में काम करने के बाद मैंने अर्ली साइन ऑफ किया है सो दैट मैं मेरा देश घूम के आराम से देख सकूं। तो चलो चलते हैं डेजर्ट कूलर के बेसिक्स के डेप्थ में। सिंपल डायग्राम है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। दिस इज ब्लू कलर इज अ वाटर टैंक, इसके अंदर एक छोटा सा पंप रहता है जो अराउंड 250 रुपीज में आता है। तो ये जो नीचे वाला पानी है ऐसा पंप किया जाता है ऊपर, ये पानी डीप हो जाता है, डीप होते रहता है ऑन द कूलिंग पैड्स, दीज आर द कूलिंग पैड्स। यहाँ एक फैन या ब्लोअर लगाया हुआ रहता है जो ये कूलिंग पैड के ऊपर से हवा को खींचते रहता है। अब क्या होता है, जब गर्म हवा कूलिंग पैड के ऊपर आती है तो वेट पैड्स के ऊपर का पानी इवेपरेट हो जाता है। अब जब पानी इवेपरेट होता है तो क्या करता है कि हवा में का जो हीट है वो खींच के वो इवेपरेट होता है। ओके, तो जब वो उसका बाफ बन जाता है तो हवा का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और आपको ठंडी हवा मिलती है। बट पानी का जो बाफ तैयार हुआ है, जो वेपर है, वो हवा के अंदर मिल जाता है। उसके कारण क्या होता है, रूम के अंदर का ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको एयर कूलर का अच्छा इफेक्टिव यूज करना चाहिए तो आपको विंडोज ओपन रखने चाहिए। उससे क्या होगा, जो ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ रहा है उसका सैचुरेशन नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, रूम्स के आपने विंडोज बंद कर दिए, डोर बंद कर दिया, एयर कूलर चला दिया, 15-20 मिनट में आपके ध्यान में आएगा कि एयर कूलर तो ठंडा हवा नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, बिकॉज अंदर का ह्यूमिडिटी लेवल इतना बढ़ गया है कि जो इवेपरेशन का साइकिल जो है, जो प्रिंसिपल है बेसिक एयर कूलर का, वो बंद हो गया है एंड इसके कारण आपको गर्म हवा आ रहा है। तो ध्यान में रखिए, अगर आपको डेजर्ट कूलर का अच्छा इफेक्टिव यूज करना है तो आपको फ्रेश एयर इनटेक जरूरी है, आपको विंडोज खुले रखने हैं। ओके, तो जस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि जो डेजर्ट कूलर्स रहते हैं नॉर्मली ये बड़े रहते हैं कैपेसिटी वाइज, ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छा काम करते हैं ड्राई वेदर में, जैसे राजस्थान है अगर, बहुत अच्छा काम करेंगे। इसमें एक रहता है कि वाटर टैंक कैपेसिटी गोज अप टू 90 लीटर्स आल्सो। तो क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो अगर आप हर 2-3 दिन में पानी चेंज नहीं करेंगे तो थोड़ा सा फाउल स्मेल का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। दूसरी बात है, जो कूलिंग पैड्स है ये भी आपको हर 15 दिन में साफ करने जरूरी है। व्हाई, बिकॉज ये जो बड़े डेजर्ट कूलर रहते हैं ना, इसका थ्रोइंग कैपेसिटी बहुत हाई रहता है, तो इतनी हवा खींचते हैं वो, तो उसके साथ डस्ट और बाकी के जो हवा में जो इम्प्यूरिटीज रहते हैं वो आ जाते हैं। तो आपको कूलिंग पैड स्वच्छ रखने चाहिए, उससे क्या होगा, आपको फाउल स्मेल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये था बेसिक इनपुट्स। अब चलते हैं कि एयर कूलर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर स्पेसिफिकेशन रहते हैं। जैसे पहली चीज है वाटर टैंक कैपेसिटी, तो डेजर्ट कूलर है तो 31 लीटर to 90 लीटर्स तक उसका वाटर कैपेसिटी रहता है, यह मैंने दिखाया हुआ है। सेकेंड चीज रहती है आपका एयर फ्लो कितना है, CFM क्यूबिक फीट पर मिनट, वो कितना है, तो स्पेसिफिकेशन में लिखा रहेगा। तो आपको आपके रूम के लिए क्या CFM चाहिए वो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, आपके रूम के साइजेस मेजर कीजिए, लेंथ विड्थ और हाइट। 15 फीट का ये रूम का सपोज लेंथ है, 20 फीट का विड्थ है और 10 फीट का उसका सीलिंग का हाइट है, तो ये मेजर कर दिया आपने, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 15 by 20 by 10, तो आ गया 3000 क्यूबिक फीट। ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया ये रूम का इन क्यूबिक फीट। अब उसको डिवाइड बाय 2 करना है आपको, रिजल्टेंट आ गया 1500। तो 1500 CFM का कैपेसिटी का एयर कूलर आपको खरीदना चाहिए, इट इज दैट सिंपल। 1500 के ऊपर का जो भी रहेगा दैट विल बी ए बोनस ऑब्वियसली, ठीक है, सिंपल है। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है कि हनीकॉम पैड चाहिए या एस्पेन कूलिंग पैड चाहिए। अब कैसे है कि लेटेस्ट एयर कूलर सभी जो ब्रांडेड रहते हैं उसमें हनीकॉम पैड्स ही आते हैं, बट ट्रेडिशनली सब कुछ लोगों को
ASPN के कूलिंग पैड जिसके अंदर वुड का एक स्मेल आता है, वुड शेविंग्स रहते हैं ना, तो उसका एक स्मेल आता है टिपिकल, वो बहुत पसंद आता है। तो अभी भी कुछ ब्रांडेड एयर कूलर्स, जैसे मैंने महाराजा का एक सजेस्ट किया हुआ है, उसके अंदर ये वुड शेविंग्स वाले पैड्स आते हैं। तो इट्स अ पर्सनल चॉइस। ऑब्वियसली हनीकॉम टाइप जो रहता है दैट इज सिंथेटिक, तो उसका लाइफ ज़्यादा रहता है एंड थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं। और दूसरा वाला जो है ASPN कूलिंग पैड्स जो है, सिंस इट इज वुड शेविंग्स एंड सिंथेटिक फाइबर, वो चीप रहता है, बट अगेन उसका थोड़ा सा मेंटेनेंस भी ज़्यादा आता है। बट अगेन एज आई सेड, पर्सनल चॉइस है, कुछ लोगों को वो पसंद आते हैं ट्रेडिशनली। सेकेंड पॉइंट, अभी बहुत से पहले जब वो डेजर्ट कूलर हम लोग देखते थे तो बहुत बड़ा ऐसा बॉक्सी शेप का एक कूलर अपने नज़र के सामने आता था। नाउ टाइम है चेंज, लोगों को स्टाइल भी चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एयर कूलर्स आर नाउ टावर टाइप कूलर्स। तो ये ट्रेंड है, तो मैं जो कुछ सजेस्ट करूंगा उसमें मोस्टली टावर कूलर्स भी है। सेकेंड थिंग, कैस्टर व्हील्स। एयर कूलर का वेट 15-20 kg रहता है, उसके अंदर आप अगर सपोज 80 liters वाटर ऐड कर दो तो 100 kg का एयर कूलर हो जाता है। तो अगर एक रूम से दूसरी जगह हलाना हो या वही रूम में लोकेशन चेंज करना हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, तो कैस्टर व्हील्स आर मस्ट। अभी मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ उसमें एक ही एयर कूलर है जिसको कैस्टर व्हील नहीं है, बट उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट इज इन्वर्टर फंक्शन। मोस्ट ऑफ द एयर कूलर्स 200 वॉट तक ही पावर कंजम्पशन है, तो आपके घर में अगर 1 kW का सपोज UPS या इन्वर्टर सिस्टम है तो आराम से ये कूलर रात भर चल जाएगा। एंड रिमोट कंट्रोल फंक्शन, जो लोगों को रिमोट कंट्रोल या थोड़ा टेक सेवी है उनके लिए रिमोट कंट्रोल भी आते हैं। सो आई एम गोइंग टू शो यू कि एक लेटेस्ट मॉडल जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है सिम्फनी का, उसमें रिमोट कंट्रोल भी आता है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो ये जो दिख रहा है आपको, दीज आर द एयर कूलर्स जो मैं आज बात करने वाला हूँ। मैंने क्या किया हुआ है, सब एयर कूलर्स के जो इमेजेस है, 3D इमेजेस है, उसको ऐसे स्केल किया हुआ है कि एक्चुअल शॉप में अगर ये एयर कूलर साथ साथ में रखे तो वो प्रोपोर्शनेटली कैसे दिखेंगे। तो हर एक का मैंने हाइट लिया हुआ है, इफ यू सी, यहाँ मैंने हाइट मेंशन किया हुआ है, यहाँ मैंने हाइट मेंशन किया हुआ है, और ये जो रेड लाइन्स है ये प्रोपोर्शनेट है विथ रिस्पेक्ट टू दैट लाइन, ठीक है, प्रोपोर्शनेट किया है और उसके हिसाब से मैंने इमेजेस को स्केल किया है। इससे क्या हो रहा है, आपको आसानी से पता चल रहा है कि एयर कूलर कैसे दिखेंगे कंपेयर टू ईच अदर, कौन सा हाइट में ज़्यादा रहेगा, कौन सा विड्थ में ज़्यादा रहेगा, कौन सा लंबा रहेगा, क्या रहेगा, वो थोड़ा आइडिया आ जाता है आपको। इट इज़ अ सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। हम लोग R&D में ये बहुत बार बेंचमार्किंग करते थे, तो ये मेथड यूज करते थे, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट। आप बाद में आराम से वो स्लाइड देख सकते हैं। तो मैंने बजाज, क्रॉम्पटन, सिम्फनी, हिंदवेयर और महाराजा का एयर कूलर सिलेक्ट किए हैं, डेजर्ट कूलर्स फॉर यू। एंड ये जो चार्ट दिख रहा है, आराम से आप देख सकते हैं, सिंपल है, प्राइजेस दिखाए हुए हैं, कैपेसिटी दिखाई है, प्राइजेस एज ऑन 20th February 2022 है। तो प्राइजेस कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, 1,000 rupees से प्लस माइनस होते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड ऑफर रहते हैं तब तो 2,000-3,000 से भी सस्ता हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इन सब रिकमेंडेशंस का Amazon और Flipkart का जो लिंक्स है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करके देख सकते हैं व्हाट इज द लेटेस्ट प्राइस और डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बाय करना है। चार्ट में ग्रीन कलर है और येलो कलर है, उसका क्या मतलब है, तो ग्रीन है जहां मुझे लगता है कि ये एयर कूलर का फीचर बाकी कंपैरिजन में अच्छा है, इसलिए मैंने वो ग्रीन में हाईलाइट किया है। तो क्या है, देखने के बाद क्विकली पता चल जाता है कि कौन सा फीचर्स ज़्यादा अच्छा है। येलो है जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये उसमें खामियां है, इट शुड हैव बीन दैट फीचर, चाहिए था वो एयर कूलर में, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैंने येलो किया हुआ है, ठीक है। तो क्विकली मैं बताता हूँ कि सपोज फर्स्ट बजाज का लिया जाए, 90 liter वाला जो बजाज न्यू है DMH 90, तो इसमें भी हनीकॉम पैड आता है, इसका पावर कंजम्पशन 200 वॉट्स है और एयर डिलीवरी 4,100 m³/h है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल नॉब टाइप के उसका डिज़ाइन है, जो कंट्रोल्स रहते हैं नॉब टाइप है, टच नहीं है, और इसके अंदर फैन है, कैस्टर व्हील्स आर आल्सो देयर, ओके। रिमोट इसमें नहीं है, इफ यू सी रिमोट किसी भी नहीं है, ठीक है, कोई भी इसमें नहीं है, सिर्फ इन इस केस में सिम्फनी का जो स्टॉर्म है उसके अंदर एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है, स्टॉर्म 70i, उसके अंदर रिमोट आता है। ऑन द नेक्स्ट पेज आई विल शो यू कंपैरिजन ऑफ दीज टू, सिम्फनी स्टॉर्म 70XL और 70i का, ठीक है। आइस ट्रे चेंबर सभी डेजर्ट कूलर्स में है, सिर्फ सिम्फनी के स्टॉर्म में वो नहीं है, वो थोड़ा सा मुझे सिम्फनी का निगेटिव पॉइंट लगा, क्योंकि हीट इतनी बढ़ती है कभी कभी कि आपको आइस ट्रेज मस्ट, मेरे हिसाब से।
महाराजा व्हाइट लाइन भी अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है, ठीक है। फीदर टच बटन्स, आई एम नॉट सो फैंसी अबाउट दोज थिंग्स, तो ठीक है मेरे हिसाब से सभी एयर कूलर्स में नॉब आते हैं, दैट इज फाइन। जो नया वाला लॉन्च है सिंपनी स्टॉर्म 70i, उसके अंदर फीदर टच बटन्स आते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। एम्प्टी वाटर अलार्म, एक्चुअली ये चाहिए बिकॉज क्या हो जाता है कि कभी कभी वाटर ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, हम लोग भूल जाते हैं, तो ड्राई रन होता है और मोटर बाद में बंद हो जाती है, तो इसके लिए आपको अगर एम्प्टी वाटर अलार्म रहेगा तो इट विल हेल्प एक्चुअली, बट फाइन। क्रॉम्पटन के जो दो मॉडल्स है ओजोन 88 एंड ऑप्टिमस 65, इसके अंदर ऑटो फिल फैसिलिटी अवेलेबल है विच आई लाइक एक्चुअली, और ऑप्टिमस 65 के अंदर तो ऑटो ड्रेन भी अवेलेबल है, सो दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस क्रॉम्पटन सीरीज। सभी का वारंटी जो है एक साल का ही आता है, नो डिफरेंस। डायमेंशंस आई हैव गिवन, वेट मैंने दिया हुआ है रेफरेंस के लिए। अब आते हैं लास्ट, बजाज का जो DMH 90 न्यू है उसके अंदर ह्यूमिडिटी कंट्रोल दिया हुआ है। अब ह्यूमिडिटी कंट्रोल बोलते इसमें क्या रहता है कि वाटर का जो ड्रिपिंग रहता है ऑन द पैड्स वो कंट्रोल किया जाता है, सो दैट आपको अगर ज़्यादा ह्यूमिड लग रहा है तो पानी का क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाए, तो दिस इज गुड फीचर। अगेन इसके अंदर भी ह्यूमिडिटी कंट्रोल अवेलेबल है क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस 65 के ऊपर, ठीक है। तो ये दो डेजर्ट कूलर्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ अगर आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल स्पेसिफिकली चाहिए। कुछ लोगों को क्या रहता है कि कुछ श्वसन की समस्या रहती है, तो उस कारण थोड़ा सा ह्यूमिडिटी कम हो जाए तो उनके लिए अच्छा रहता है, तो इन दैट केस ह्यूमिडिटी कंट्रोल इज रिक्वायर्ड एंड यूजफुल। क्रॉम्पटन के जो दोनों मॉडल्स है ओजोन 88 और ऑप्टिमा 65, इसके अंदर हार्ड वाटर फ्रेंडली है, उनका जो मोटर उन्होंने डिजाइन किया है दैट कैन इजीली वर्क विथ हार्ड वाटर, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू। देन सभी इसमें कंपैरिजन किया जाए तो सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी जो है तो ये ऑप्टिमस 65 का है, ये 650 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है और इसका थ्रो भी एयर डिलीवरी भी 5500 मीटर क्यूब पर आवर है, विच इज वेरी गुड, ठीक है। एंड महाराजा व्हाइट लाइन जो मैंने सजेस्ट किया है उसका भी 700 स्क्वायर फीट का रूम वो कवर करता है, दिस इज अ ट्रेडिशनल टाइप। इसमें और एक स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि इसका पावर कंजम्पशन बहुत ही कम है, ओनली 165 वॉट, तो जहां बहुत टाइम एयर कूलर चलने वाला है वहां पावर कंजम्पशन बहुत जरूरी है देखना, तो मैंने यहां पावर कंजम्पशन का पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है। सो एनीवे ज़्यादा फर्क नहीं है, 200 वॉट 190 वॉट, बट महाराजा व्हाइट लाइन का जो रैम्बो मॉडल है वो ओनली 165 वॉट का पावर कंज्यूम करता है। तो मैंने ये महाराजा व्हाइट लाइन का रैम्बो मॉडल क्यों डाला है, अगेन फॉर द सेम रीजन कि ये जो वुड वूल है इसमें सम पीपल डू लाइक द स्मेल ऑफ वुड वूल, सो दैट इज वाई स्पेसिफिकली आई हैव केप्ट एटलीस्ट वन ऑप्शन फॉर यू कि डेजर्ट कूलर आपको चाहिए जिसमें वुड वूल का स्मेल चाहिए तो आप ये कूलर के लिए जा सकते हैं। द ओनली वन हिच इन दिस कूलर आई हैव इज इसको कैस्टर व्हील्स नहीं है, तो ये इतना बड़ा है, 18 kg का एयर कूलर है इसका, जो 65 लीटर अगर वाटर आप भरेंगे तो ऑलमोस्ट ये बन जाएगा 85 kg तक, तो इतना मूव करना बहुत ही मुश्किल है। अगेन मार्केट में इसके लिए सॉल्यूशंस अवेलेबल है तो हम लोग वो सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो ये चार्ट एक ओवरव्यू देता है आपको क्विकली कि कौन सा एयर कूलर में क्या प्लस और माइनस पॉइंट है, कंपेरेटिव प्राइजेस भी मैंने दिए हुए हैं, ऑल आर गुड ब्रांड्स आई हैव सिलेक्टेड, सभी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होता है बट ऑल आर गुड ब्रांड्स, सो यू कैन सिलेक्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू फील इज इम्पॉर्टेंट। लाइक आपको हार्ड वाटर है तो क्रॉम्पटन के सीरीज में जा सकते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल चाहिए तो आपको बजाज और क्रॉम्पटन का जो ये है ऑप्शन है वो मिलेगा, या आपको अगर रिमोट कंट्रोल चाहिए तो आप सिम्फनी का 70 स्टॉर्म का जो 70i है लेटेस्ट मॉडल उसमें जा सकते हैं, और वुड वूल चाहिए आपको तो आपको महाराजा के लिए जाना चाहिए। ओके, नाउ सिम्फनी स्टॉर्म 70XL और सिम्फनी स्टॉर्म 70i इसमें क्या फर्क है, तो इमेजेस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप देख सकते हैं ये जो पुराना मॉडल है इसके अंदर ये ट्रेडिशनल नॉब्स अवेलेबल है और यहाँ कोई भी डिजिटल डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है, वेयर एज दे हैव एडेड बोथ ऑफ दिस थिंग्स और ये रिमोट कंट्रोल उन्होंने एड किया हुआ है, तो डिजिटल डिस्प्ले है, रिमोट कंट्रोल है और फेदर टच बटन्स है, तो दिस इज द लेटेस्ट वन। अगेन प्राइस थोड़ा सा इसका ज़्यादा है, तो इसका भी मैंने प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको ये देखना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, जो लोग टेक सेवी है जिनको ये बहुत पसंद है कि मॉडर्न चीज़ें यूज करना, दे कैन गो फॉर दिस लेटेस्ट डेजर्ट एयर कूलर। ओके, नाउ कमिंग टू द महाराजा व्हाइट लाइन रैम्बो जो मैंने सजेस्ट किया था, जिसमें मैंने बोला था कि एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसको ट्रॉली नहीं है तो ये मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो दिस इज अ ट्रॉली विच आई फाउंड, 550 रुपये में आएगी एंड
यू कैन पुट दिस कूलर ऑन द ट्रॉली सो दैट ये समथिंग इट विल लुक लाइक दिस ओके और आप यहाँ उसको मूव कर सकते हो. तो देर इज अ सोल्यूशन अवेलेबल. तो आई थिंक दैट्स इट. अगेन प्लीज टेल मी कि ये अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो आप बताइए कि आपको और ऐसे कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए. अभी मेरा स्टडी चल रहा है एयर कंडीशनर्स के ऊपर और एक मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा बहुत डिटेल में मैं कर रहा हूं कि सिर्फ एग्जॉस्ट फैन अगर मैं घर के लिए यूज करूं सिर्फ एग्जॉस्ट फैन. आई हैव ट्राइड इट बिफोर 10 ईयर्स. दैट टाइम मेरे पास सब इक्विपमेंट नहीं थे बट अब मेरे पास थोड़ा सा टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम्स वगैरह अवेलेबल है तो मैं वो एक्सपेरिमेंट करके आपको डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा. आपको वीडियो देखने में जरूर मजा आएगा. तो चलो एंजॉय द समर. बाय फॉर नाउ.